नमस्कार, मॉर्निंग न्यूज ब्रीफ में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रज्ञा चतुर्वेदी। आइए जानते हैं वो खबरें जो रही सुर्खियों में। गुजरात हाईकोर्ट ने मोदी सरनेम केस में राहुल गांधी की 2 साल की सजा पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि इस केस के अलावा राहुल के खिलाफ कम से कम 10 केस पेंडिंग हैं। ऐसे में सूरत कोर्ट के फैसले में दखल देने की जरूरत नहीं है। कांग्रेस ने कई राज्यों में गुजरात हाईकोर्ट के इस फैसले का विरोध प्रदर्शन किया। पार्टी का कहना है कि वे अब सुप्रीम कोर्ट जाएगी। ओडिशा के बालासोर में हुए ट्रेन हादसे में सीबीआई ने 3 रेल कर्मचारियों को गिरफ्तार किया है। इनमें सीनियर सेक्शन इंजीनियर अरुण कुमार मोहंता, सेक्शन इंजीनियर मोहम्मद आमिर खान और टेक्नीशियन पप्पू कुमार शामिल हैं। सूत्रों के मुताबिक इन तीनों की लापरवाही से ही हादसा हुआ। तीनों पर सबूत मिटाने का भी आरोप लगा है। 2 जून को हुए इस हादसे में 293 से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी और 1000 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। पिछले 2 हफ्तों में टमाटर के दाम 566% से ज्यादा बढ़ गए हैं। उत्तराखंड के गंगोत्री धाम में टमाटर 250 रुपए प्रति किलो मिल रहा है, वहीं उत्तरकाशी जिले में 180 से 200 रुपए प्रति किलो। इस बीच मैकडॉनल्ड्स ने बर्गर से टमाटर को हटा दिया है। कंपनी ने कहा कि सारी कोशिशों के बावजूद हमें अच्छी क्वालिटी के टमाटर नहीं मिल रहे हैं। पीएम मोदी ने रायपुर में कहा कि छत्तीसगढ़ का निर्माण भाजपा ने किया है, यहाँ के लोगों को भाजपा ही समझती है। पिछले चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने गंगा जी की झूठी कसम खाई, शराबबंदी समेत 36 वादे किए लेकिन वादे पूरे नहीं हुए, हजारों करोड़ का शराब घोटाला कर दिया। पीएम ने कहा कि कांग्रेस पार्टी के लिए छत्तीसगढ़ मात्र ATM की तरह है। अमेरिका ने मणिपुर में जारी हिंसा पर चिंता जाहिर की। भारत में अमेरिकी राजदूत एरिक गारसिटी ने कहा कि अगर भारत मदद मांगता है तो हम उसके लिए तैयार हैं। इस पर कांग्रेस ने US से भारत के आंतरिक मामलों पर दखल न देने को कहा। कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने कहा कि हम मणिपुर में हो रही हिंसा के मुद्दों को संसद में उठाएंगे। 3 मई से जारी मणिपुर हिंसा में 136 लोगों की मौत हुई है, वहीं 419 लोग घायल हुए हैं। अब वो खबर जिस पर रहेगी हमारी नजर। पश्चिम बंगाल के 22 जिलों में 63,000 से ज्यादा ग्राम पंचायत सीटों पर मतदान होगा। इसके नतीजे 11 जुलाई को आएंगे। TMC के 61,000 और भाजपा के 38,000 प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतरे हैं। कलकत्ता हाईकोर्ट ने नतीजे घोषित होने के 10 दिन बाद तक सेंट्रल फोर्स तैनाती के आदेश दिए हैं। आज पीएम मोदी राजस्थान में 24,300 करोड़ और तेलंगाना में 6,100 करोड़ की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। ये खबर जरा हटके है। कर्नाटक सरकार ने शक्ति योजना लागू की, जिसके तहत महिलाएं सरकारी बस में मुफ्त यात्रा कर सकती हैं। इसी का फायदा उठाने के लिए वीरभद्र नाम का व्यक्ति बुर्का पहनकर बस स्टॉप पहुंचा। शक होने पर लोगों ने उसे सवाल करने शुरू कर दिए। हालांकि वीरभद्र ने पुलिस को बताया कि उसने बुर्का इसीलिए पहना था ताकि वो बस स्टैंड पर भीख मांग सके। अब मौसम का मिजाज। मौसम विभाग के मुताबिक मध्य प्रदेश, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड और महाराष्ट्र में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। वहीं राजस्थान के 4 जिलों में और MP के 38 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट है। आज के दिन का इतिहास। 8 जुलाई 1497 यानी आज ही के दिन वास्को डी गामा पुर्तगाल से अपनी पहली यात्रा पर निकले थे। 4 बड़े जहाज, सैकड़ों नाव और 170 लोगों के साथ निकले वास्को डी गामा को भारत पहुंचने में करीब 11 महीने का वक्त लगा। इसी के साथ उन्होंने यूरोप से भारत पहुंचने का समुद्री रास्ता भी खोल लिया था। पुर्तगालियों के लिए ये एक बड़ी उपलब्धि थी। और अब थॉट ऑफ द डे। जिसने कभी गलती नहीं की उसने नया करने की कोशिश नहीं की। तो आज की बात बस यहीं तक, कल फिर होगी मुलाकात।